अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आज हमना पार्लर एंड ब्यूटी टिप्स में मैं ज़रीना रहील आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूं, मैं आज आपको जो है सिल्की कूल जो गोल्ड फेशियल है उसका रिव्यू दूंगी और डेमो दूंगी, क्योंकि आपने कहा था कि सिल्की कूल गोल्ड फेशियल का रिव्यू दें। तो ये आज फेशियल जो है इसका आपके सामने जो है मैं डेमो दूंगी, रिज़ल्ट भी इसके सामने आपके सामने होगा इसका। इसके टोटल जो हैं 5 स्टेप हैं, जिसमें एक नंबर 1 पे क्लींजर है, नंबर 2 पे टोनर है, नंबर 3 पे स्क्रब है, नंबर 4 पे मसाज क्रीम है और नंबर 5 पे इसका मड मास्क है। तो बहुत अच्छा फेशियल है इसका, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है और ये मेड इन UAE है। और आपको मैं दिखा दूं कि 1 by 1 करके मैं आपको दिखा देती हूं कि ये देखें, ये सबसे पहले जो फेशियल क्लींजर है इनका, ये इस तरह से है इनका फेशियल क्लींजर और ये सिल्की कूल गोल्ड फेशियल है और ये पार्लर्स में बहुत ज़्यादा जो है आजकल यूज़ हो रहा है, बहुत सारी ब्यूटिशन जो हैं इसका पार्लर्स में यूज़ कर रही हैं। स्किन का pH जो बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो इसके बाद जो है मेरे पास ये सिल्की कूल गोल्ड का जो टोनर है, ये देख लें इस तरह से इनका पंप लगा हुआ है, ये इस तरह से बना होता है, ये देखें जी। और इसमें 250 ml है इसका टोनर का, और इसका भी जो फॉर यूज़ करने का तरीका है, और ये पिंपल्स एक्नी वाले स्किन के लिए ये वाला टोनर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स एक्नी वगैरह हैं वो ये वाला टोनर ज़रूर यूज़ करें, इसके बहुत से बेनिफिट हैं स्किन के लिए। नंबर 3 पे जो है मेरे पास, नंबर 3 पे है इनका वेलकॉनिक फेशियल मड मास्क है इनका, ये देख लें, ये इस तरह से इसकी पैकिंग है, ये गोल्डन ऊपर इसका जो एक कैप है और ये तमाम इसकी पैकिंग है, ये देख लें, गोल्ड सिल्की कूल का ये गोल्ड फेशियल है, ये इसका मड मास्क है। और नंबर जो है नंबर 4 पे है मेरे पास फेशियल स्क्रब है, ये देख लें, ये फेशियल स्क्रब है इसका, और इसमें कितना ml है जी, इसमें 350 ml है, इसमें भी 350 ml है और इसके अंदर भी जो मड मास्क है इसके अंदर भी 350 ml है। और नंबर 5 पे मेरे पास है इसके फेशियल मसाज क्रीम, ये देख लें, ये फेशियल मसाज क्रीम है और इसके अंदर भी 350 ml है। तो मैं इसको जो है फेस के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। विदाउट स्किन पॉलिश मैं अप्लाई करूँगी, जस्ट मैं फेशियल ही यूज़ करूँगी, स्किन पॉलिश नहीं यूज़ करूँगी। तो ये देख लें जी, ये रिबन बैंड जो है मैं लगा लूँगी ताकि मुझे ना फेशियल करने में कोई बालों का कोई मसला ना हो, तंग ना करें बाल वगैरह, ये इस तरह से थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। मैंने जो फेस है अपना वॉश किया हुआ है अच्छी तरह से, और अब मैं क्या करूँगी कि फेस के ऊपर जो है क्लींज़र अप्लाई करूँगी, और क्लींज़र जो है ये देख लें आप, इस तरह से इसका पंप लगा हुआ है, ये हैंड के ऊपर मैं थोड़ा सा ले लूँगी, और इसकी क्लींज़र की आप देख लें, ये इस तरह से है, येलो कलर में है, और मैं अपने फेस के ऊपर जो है इसको इस तरह से अप्लाई करूँगी। बहुत प्यारी इसकी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारी, और बहुत रिज़ल्ट भी इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस तरह से। करें तो कोशिश किया करें कि फेशियल में पानी का कम यूज़ किया करें, सिर्फ स्क्रब में ही पानी का यूज़ किया करें, क्योंकि वो स्क्रब में ज़रा होते हैं दाने दाने से होते हैं, तो वो फिर अगर आप पानी के बगैर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पे स्वेलिंग वगैरह का मसला हो सकता है। चार से पाँच मिनट का जो है मैं इसका मसाज दूंगी, और फिर मैं 1-2 मिनट के लिए फेस के ऊपर इसको छोड़ दूंगी, छोड़ने के बाद फिर 2 मिनट का मसाज दूंगी। आप सिल्की कूल का जब फेशियल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पानी की जगह पे इसका आप टोनर यूज़ करें, टोनर को लगा के हाथों पे स्क्रब में भी और मसाज क्रीम में भी क्लींजर में भी आप टोनर लगाएं तो ज़्यादा जो एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपको फेशियल का। ये देखिए जी, इस तरह से आप हाथ के ऊपर थोड़ा सा इसका टोनर लेंगे और इसको आप इस तरह से लगा कर, अब जी मैंने इसका ये जो स्क्रब यूज़ किया है और स्क्रब देख लें अंदर से इस तरह का है, ऑफ वाइट सा है और इसके अंदर बारीक बारीक दाने से हैं, और मैंने हैंड के ऊपर लेके इसके अंदर जो इसी सिल्की कूल का टोनर है थोड़ा सा वो ऐड करके मिक्स करके उसका जो अब मैं फेस के ऊपर जो है इसका मसाज दूंगी,
चार से पाँच मिनट का, फिर दो मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी, उसके बाद जो है नेक्स्ट अपना मसाज करूंगी। और बहुत लाइट और माइल हाथ के साथ जो है स्क्रब का मसाज फेस के ऊपर किया करें इस तरह से। और पानी की जगह पे आप टोनर स्प्रे जो है इसको यूज़ करेंगे तो आपका ज़्यादा रिजल्ट बेटर आएगा। अच्छा जी, स्क्रब करने के बाद मैंने चार से पाँच मिनट का स्क्रब का मसाज दिया था। अब जो है इसका सिल्की कूल गोल्ड फेशियल का जो है ये मैं मसाज क्रीम ले रही हूँ। और मसाज क्रीम आप देखें कि इस तरह बहुत प्यारा ये क्रीमी सा है, ऐसे जैसे बिल्कुल ना बटर हो उसी की तरह है। ये देख लें, इस तरह मैं फेस के ऊपर ले लूँगी इसको जो है इसका मसाज दूँगी मसाज क्रीम का। पानी का बिल्कुल भी ना यूज़ किया करें मसाज क्रीम में, इससे जो है इसको हमने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना होता है मसाज क्रीम के मसाज को, ये इसके स्टेप को। तो ये देखें बहुत लाइट हाथ के साथ आप राउंड राउंड जो अपर डायरेक्शन में हैं इसके मसाज दिया करें इस तरह से। ये देखें इस तरह बहुत लाइट हाथ से आप इसका मसाज दें। चार से पाँच मिनट का मैं मसाज दूंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट मैं अपना इसका जो मड मास्क है वो वाला अप्लाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मसाज क्रीम का मेरा जो पाँच छः मिनट का मैंने मसाज दिया उसके बाद मैंने साफ़ कर दिया। अब ये है बिल्कुल सेम मसाज क्रीम की तरह ही इसकी येलो येलो सी जो है रंगत है, तो इस तरह मैं फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर लूँगी। ये देखें जी बहुत प्यारी इसकी ना फेशियल की स्मेल बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगी है। तो बहुत अच्छा लाइट माइल फेशियल है, जैसे गॉर्जियस के फेशियल के मसाज है ना बिल्कुल वैसा ही मुझे ना इसका लग रहा है। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा ये बेस्ट है। और रिज़ल्ट भी आप देख लें कि विदाउट स्किन पॉलिश ऐसे फेस जो है एक वाटरी वाटरी सा हो गया है, जिस तरह से आम ख़वातीन जो चाहती हैं कि हमारा फेशियल जो है फेशियल के बाद फेस एक वाटरी वाटरी सा फेस लगे, तो सेम मुझे इसका वही रिज़ल्ट आ रहा है। तो बहुत अच्छा तो टाइम दूंगी मड मास्क को फेस के ऊपर लगा रहने दूंगी, उसके बाद मैं आपको इसका जो है एक। तो ये था जी फाइनल जो सिल्की कूल गोल्ड फेशियल का रिज़ल्ट। आप देख सकते हैं कि फेस के ऊपर विदाउट स्किन पॉलिश मैंने जस्ट यूज़ किया और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। और एक ग्लोइंग देख लें, एक वाइटनिंग में आया है, बहुत प्यारी इसकी स्मेल है। और ये जो फेशियल है बहुत ज़्यादा जो आजकल पार्लर्स में ये यूज़ हो रहा है, और मुझे आप लोगों ने कहा था कि सिल्की कूल गोल्ड फेशियल पर रिव्यू दें। तो सो ये था आज की मेरी वीडियो। और ये आपको मैं बता दूं कि आप हर मसाज में जो है टोनर का यूज़ करेंगे तो पानी की जगह पे तो आपका जो एक रिज़ल्ट है वो बेटर आएगा, बहुत अच्छा आएगा फेशियल का। टोटल इसके 5 स्टेप हैं और हर स्टेप की जो हर मसाज की कीमत है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और जहां से आप इसे इजी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं दे दूंगी आपको। बहुत मुनासिब रेट पे जो इनकी प्राइस होगी वो मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप जो हैं इजी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो सो ये थी आज की मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।